मथुरा जनपद में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद द्वारा प्रथम बैठक का आयोजन मथुरा संरक्षक दिनेश पंकज के नेतृत्व में हीरा गार्डन ट्रांसपोर्ट नगर में हुआ। बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष गोपाल चतुर्वेदी ने द्वारा किया गया। बैठक में मथुरा जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों ने पहुंचकर संगठन को मजबूत बनाने में अपने सहयोग का पूर्ण समर्थन किया। मथुरा जिले के हर तहसील में पत्रकारों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया कि पत्रकार को अपने मूलभूत कर्तव्यों का निर्वहन करने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं को सुनने वाला जनपद में कोई नहीं, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष भानु प्रकाश शर्मा और जिला संयोजक द्वारा सभी पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि पत्रकार सुरक्षा परिषद रजिस्ट्रार आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता मिश्रा का स्पष्ट आदेश है कि हमारे संगठन का प्रथम दायित्व पत्रकार सुरक्षा उसका निर्वहन कर हर परिस्थिति में होना चाहिए। बैठक की शुरुआत जिला संयोजक दिनेश पंकज ने गोवर्धन के दिग्गज पत्रकार देवेंद्र कौशिक की असमय मृत्यु होने पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि डीके कौशिक का असमय जाना मथुरा जनपद के पत्रकार जगत की हानि बताते हुए सभी पत्रकार साथियों सहित 2 मिनट का मौन धारण कर लिया और इसी के साथ मथुरा के दिग्गज वरिष्ठ पत्रकार गिरधारी लाल श्री शोतीय द्वारा डीके कौशिक के परिवार को आर्थिक मदद की मांग करने हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मिलने का विचार व्यक्त किया। जनता यूनियन के संवाददाता दिनेश आचार्य द्वारा सभी पत्रकारों को तथ्य आधारित पत्रकारिता करते हुए अपनी जिम्मेदारी को निभाने को प्रेरित किया। लीडर पैच रीडर मैसेंजर के संवाददाता प्रवीण मिश्रा द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी पत्रकारों को संगठित होकर अपने कार्य कर बिना डरे पत्रकारिता करते रहने का सफल मंत्र दिया। अपनी मथुरा न्यूज में अपनी छाप छोड़ने वाला युवा पत्रकार प्रतीक चतुर्वेदी द्वारा युवा पत्रकारों को संगठन से जुड़ने के लाभों से अवगत कराया।